दोस्ती से आप क्या समझते हैं? लगाव, प्रेम या साथ? आज की कहानी में हम एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसमें लगाव भी है, प्रेम भी है और साथ भी। कहानी है गिलहरियों के दोस्त अर्नब की। गिलहरियां हर रोज अर्नब के पास आती हैं। अर्नब उन्हें खाना खिलाते हैं। जब वो जख्मी होती है तो उनका इलाज भी करते हैं। ये दोनों घंटों साथ रहते हैं। अगर आपने कभी गिलहरियों के पास जाने की कोशिश की होगी तो देखा होगा कि गिलहरियां बहुत डरती हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। हालांकि अर्नब के साथ ऐसा नहीं होता। गिलहरियां यहां हमेशा सुरक्षित महसूस करती हैं। लोकल 18 ने अर्नब से बातचीत की है। उनका कहना है कि अगर इंसान जानवरों को खाना और एक सुरक्षित जगह दे तो वो पास रहते हैं। अर्नब का मानना है कि जानवरों की मदद करना जरूरी है, पर उनके साथ रहने के लिए उन्हें पालतू नहीं बनाना चाहिए। जानवरों का घर हमारी प्रकृति है और उन्हें वहाँ रहने का पूरा हक है। मैं स्क्विरलों को पालन करता हूँ। ये मुमकिन हुआ क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार है। प्राणियों के खाने के लिए खाना और रहने के लिए तो जगह दूंगी, तो वो मेरे पास ही रहेगा। मैं जिस जिस स्क्विरलों को पालन करता हूँ वो मैं किसी भी तरह से वो उन्हें कैद नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सारे स्क्विरलों को एकदम कम उम्र से पाल रहा हूँ। उनको मैंने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किया इनका मतलब है ऐसे बहुत सारे स्क्विरल है जिनके माँ उनको छोड़कर चला जाया। ये वो बीमार पड़ गया, तो मैं उन परिस्थितियों से इस स्क्विरल को रेस्क्यू किया। अर्नब अब तक लगभग 10 से 12 गिलहरियों की मदद कर चुके हैं। ये दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी है कि अर्नब की आवाज देने पर गिलहरियां पेड़ से नीचे आ जाती हैं और वो भी सिर्फ अर्नब से मिलने। सुबह और दोपहर के समय गिलहरियां एक बार खाना खाने जरूर आती हैं। है ना रोचक कहानी? लोकल 18 पूर्वा बर्धमान से बनवारी लाल चौधरी की रिपोर्ट।